स्टूडेंट्स, सो आफ्टर समर वेकेशन कैसे हैं आप लोग? सो नाउ टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो आपका प्रीवियस टॉपिक्स था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड जो असाइनमेंट आपको दिया गया होगा आपने कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 20 है, चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्सरसाइज 6A, पेज नंबर 313। हेयर द क्वेश्चन इज देयर द फोर वर्टिसेस ए बी सी डी, एंड क्वेश्चन इज प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, प्रूव दैट। नाउ फर्स्ट थिंग इज द प्रूव दैट, इट मीन्स ये वर्टिसेस होंगे। अगर यहाँ पर चैकेट का होता तो मे बी हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। तो नाउ तो स्क्वायर की कंडीशन यू नो इट, देन द ऑल साइड्स आर इक्वल ए बी सी डी, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड ए बी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस, सी डी डिस्टेंस एंड ए डी डिस्टेंस। क्लियर? तो ऑल साइड्स अगर इक्वल आ जाए तो वो स्क्वायर हो जाएगा, यस नो? अगर ऑल साइड्स अगर इक्वल आ जाए, सी ए बी सी डी, दिस इज आल्सो रोम्बस, एंड रोम्बस की कंडीशन इज इफ द ऑल साइड्स आर इक्वल देन दिस इज नोन एज रोम्बस। क्लियर? बट इन स्क्वायर्स में वन मोर थिंग्स और निकालने पड़ते हैं, डायगोनल ए सी एंड बी डी। सो स्क्वायर में हम सारी साइड्स निकालेंगे, ए बी बी सी सी डी डी ए, एंड डायगनल्स भी फाइंड करेंगे ए सी एंड बी डी। इफ दे आर इक्वल, डायगनल्स इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, देन दीज वर्टिसेस आर द स्क्वायर वर्टिसेस। क्लियर? और पैलोग्राम में या आपके रोम्बस में सिर्फ हमें डायगनल्स निकालने की जरूरत नहीं होती, ऑल साइड्स दिखा देते हैं, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट। सो एक हम रफ डायग्राम ड्रा कर लेते हैं कि आपको ध्यान रहे कि आपको फाइंड क्या करना है, ए बी सी डी एंड डायगोनल्स। ओके, सो नाउ फर्स्ट फाइंड ए बी सॉल्यूशन। ए बी इज द डिस्टेंस, सो डिस्टेंस फॉर्मूला फर्स्ट राइट, एक्स वन माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू होल स्क्वायर। नाउ शॉर्टकट कर सकते हैं आप, एक्स वन ए बी लिखा है, ए एक्स वन वाई वन, बी एक्स टू वाई टू, थ्री माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस टू माइनस फाइव होल स्क्वायर। ओके, नाउ थ्री माइनस जीरो थ्री, थ्री स्क्वायर नाइन, टू माइनस फाइव थ्री एंड माइनस थ्री स्क्वायर नाइन, स्क्वायर रूट नाइन नाइन एटीन, एंड एटीन इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर देंगे अभी। सो नेक्स्ट ए बी आ गया, नेक्स्ट इज बी सी, डिस्टेंस फॉर्मूला राइट करनी है, देन नो नीड टू राइट अगेन, एक्स वन माइनस एक्स टू, अब ये आपका एक्स वन हो जाएगा, ये एक्स टू जाएगा, सो जीरो माइनस, बस ये माइनस का है तो प्लस थ्री। ओके, नाउ वाई वन माइनस वाई टू, फाइव माइनस टू होल स्क्वायर, दिस मीन्स थ्री स्क्वायर नाइन, फाइव माइनस टू थ्री स्क्वायर नाइन, एंड दिस इज आल्सो एटीन यूनिट्स, डिस्टेंस को हम यूनिट्स मेंशन करते हैं। क्लियर? ए बी फाइंड हो गया, बी सी फाइंड हो गया, सी डी एंड डी ए, सो इसको हम एड्रेस कर देते हैं। नाउ देन आफ्टर यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ सी डी, ए बी बी सी सी डी। नाउ सी डी इज सी डी, इट मीन्स माइनस थ्री माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस टू माइनस इज प्लस वन होल स्क्वायर, एंड माइनस थ्री माइनस जीरो माइनस थ्री स्क्वायर इज नाइन, एंड टू प्लस थ्री नाइन, एंड दिस इज आल्सो एटीन यूनिट्स। सी डी फाइंड हो गया है, देन आफ्टर डी ए, आप डी ए लिखिए, ए डी लिखिए, सेम आंसर आता है। ओके, डिस्टेंस में नाउ जीरो माइनस थ्री, ओके
माइनस वन माइनस टू एंड क्वेश्चन में प्रूव दैट था दैट मीन्स ऑटोमेटिक सब इक्वल ही आएंगे बट कभी कभी क्वेश्चन में चेक इट का भी क्वेश्चन आता है ओके यूनिट्स सी तो ए बी बी सी सी डी डी ए ऑल आर 18 यूनिट्स ओके तो अगर क्वेश्चन रोम्बस का होता तो हम यहीं पे स्टॉप कर देते बट यहाँ पर क्या है स्क्वायर का है तो डायगोनल्स भी इक्वल दिखाने ओके नाउ यू हैव टू फाइंड ए सी ए सी इज 1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर नाउ दिस इज यहाँ पर नोट कर देते हैं 3 + 3 = 6 36 एंड 2 - 2 = 0 सो 36 एंड 36 का स्क्वायर रूट इज 6 यूनिट्स एंड ए सी फाइंड हो गया देन आफ्टर फाइंड बी डी सो बी डी इज व्हाट बी एंड डी तो x1 - x2 0 - 0 होल स्क्वायर y1 - y2 5 + 1 होल स्क्वायर एंड 0 0 5 + 1 36 एंड 36 स्क्वायर रूट इज 6 यूनिट्स क्लियर नाउ सी डायगोनल्स ए सी एंड बी डी आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल सिंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी डायगोनल्स भी इक्वल हो गए दैट्स वाई ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर हैंस प्रूव्ड क्लियर नोट डाउन ओके क्लास क्वेश्चन नंबर 26 पार्ट सेकेंड एंड थर्ड होमवर्क क्लियर एंड क्वेश्चन नंबर 27 शो दैट दीज पॉइंट्स इज फॉर्म्ड अ रोम्बस सो रोम्बस की कंडीशन क्या है ए बी सी डी क्लियर इफ ऑल साइड्स आर इक्वल देन दिस इज फॉर्म अ रोम्बस क्लियर बट इस क्वेश्चन में वन मोर थिंग्स है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस सो एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी इज रोम्बस का एरिया क्या होता है हाफ डी वन इंटू डी टू वेयर डी वन एंड डी टू आर द डायगोनल्स ओके इट मीन्स डी वन इज वॉट ए सी एंड डी टू इज वॉट बी डी इट मीन्स पहले आपको प्रूव करना है कि ये वर्टेसेस हैं इसके उसके बाद इसमें डायगोनल्स फाइंड करके एरिया भी फाइंड करना है क्लियर अगर एरिया फाइंड करने के लिए नहीं आए तो आप ओनली साइड्स फाइंड करेंगे क्लियर नाउ सी हम इसमें डायग्राम बना दे रहे नहीं क्योंकि हमें फाइंड करना है इसका एरिया क्लियर सो नाउ स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ए बी ए बी इज डिस्टेंस फॉर्मूला दैट्स वाई x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर सी व्हाट इज x1 ए बी -3 - 5 तो माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा प्लस y1 - 2 - 5 इन क्वेश्चन दे रहा है शो दैट इट मीन्स ये कंपल्सरी आएगा ही इक्वल आएंगे और 5 - 3 = 2 2² - 4 5 + 2 = 7² - 49 49 एंड दिस इज 53 यूनिट्स क्लियर नेक्स्ट इज फाइंड ए बी फाइंड हो गया बी सी बी सी इज x1 - x2 इट मीन्स -5 + 1 होल स्क्वायर अगेन -5
and minus 4 whole square. So now value is minus 5 minus 1, 4, 4 is minus 4 square, 16, and 9, 9 square, 81. See, check it. Minus 5 plus 1 and minus 5 minus 4. Check it. There you go. 2 comma minus 3. Okay. तो दैट्स वाई इसमें आपको पता लग जाएगा अगर पॉइंट्स अगर आपने रॉन्ग लिखे होंगे तो उससे आपका चेक हो जाएगा, इसलिए इक्वल नहीं आ रहा था. ओके, नाउ माइनस फाइव माइनस टू, माइनस फाइव माइनस टू इज स्क्वायर एंड माइनस फाइव प्लस थ्री स्क्वायर. नाउ सी, फाइव टू सेवन, सेवन स्क्वायर 49. देखिए बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है 49. माइनस फाइव थ्री, टू टू का स्क्वायर, माइनस टू का स्क्वायर 4. सो दैट्स वाई दिस इज द वैल्यू इज आल्सो 53. क्लियर, इक्वल आना चाहिए. शो दैट ए बी बी सी आ गया है. नाउ सी डी फाइंड, सी डी सी डी सी डी 2 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 4 होल स्क्वायर एंड दिस मीन्स 49. 2 माइनस 4 इज 4 एंड माइनस 7 इज 49 एंड दिस इज आल्सो 53. सी डी यूनिट्स राइट कर लीजिएगा इसमें, यूनिट्स यूनिट्स सी डी एंड डी ए. ये डायग्राम हमारा रफली है तो आप थोड़ा रफ में बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये रोम्बस के पॉइंट चेक करने हैं आपको. डी ए डी ए 4 प्लस 3 होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर. 4 प्लस 3 7 स्क्वायर 49 प्लस 4 एंड दिस इज आल्सो 53 यूनिट्स. सी, अगर ये रोम्बस प्रूफ करने के लिए होता तो रोम्बस प्रूफ हो गया है. तो इस क्वेश्चन में सिंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, फर्स्ट प्रूफ, दैट्स वाई ए बी सी डी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए. ओके, नाउ सी डी, तो ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस ए बी सी डी, ऑफ रोम्बस ए बी सी डी मेंशन नहीं है, ए बी सी डी भी लिख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ए बी सी डी के पॉइंट दिए हुए, तो ए बी सी डी हो गया. नाउ क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया. एरिया फाइंड करने के लिए हमें ए सी और बी डी भी फाइंड करना पड़ेगा. ओके, सो नाउ, सो ए सी इज व्हाट, ए सी इट मींस अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू, तो प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, इट मींस माइनस फाइव एंड 25, इट मीन्स 5 एंड दिस इज 25 एंड दिस इज हाउ मच 50. क्लियर, स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हैं, बाद में कर लेंगे. नेक्स्ट इज ए सी फाइंड हो गया, देन आफ्टर फाइंड बी डी. सो बी डी इज बी डी माइनस 5 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस 4 होल स्क्वायर. नाउ माइनस 4 9 81 एंड दिस इज आल्सो 81. क्लियर, सो 81 81 डबल हो जाएगा, तो क्यों ना हम 81 का स्क्वायर रूट निकालते एंड दिस इज 9 रूट 2.
ऐसे 25 25 50, तो 2 टाइम्स आ गया, तो 25 का हो गया 5 एंड रूट 2। क्लियर, डायरेक्टली कर सकते हैं आप। नाउ दैट्स वाई एरिया ऑफ रॉम्बस ए बी सी डी इज हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स ए सी इंटू बी डी, ए सी इंटू बी डी। सो हाफ ए सी इज 5√2 एंड बी डी इज 9√2। ओके, 9 5 = 45, √2 √2 2, इट मीन्स 45 × 2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो दैट्स वाई आंसर इज 45। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपका आंसर इज 45। क्लियर, हैव अ लुक। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29 इज द होमवर्क। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।